नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज ये पाम आया है 51 ईयर्स एक लेडी का। और इनके हस्बैंड का पाम हम लोगों ने पहले एनालिसिस किया था। इनके हस्बैंड अभी विदेश में रहते हैं, इसराइल में रहते हैं। मेन टाइम मेन वहीं पे इनका कामकाज है। और वहाँ पे जाके यहाँ से ये ज़ीरो से लेके शुरू किया था इनका हस्बैंड, और वहाँ पे जाके काम करते हुए अपना बिजनेस भी 2-3 खड़ा किया। और अभी मल्टी करोड़ की उनकी बिजनेस भी है, प्रॉपर्टी भी है। तो इस तरीके से उनका जीवन का जो हम लोग कहते हैं प्रोग्रेस हुआ, बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस हुई और एक नोटिसेबल चेंज हुई। और उन्हीं की वाइफ की ये उन्होंने पाम भेजा है। कुछ उनके स्पेसिफिक सवाल है, हम बाद में एनालिसिस में आएंगे। तो उनका जो कहना है कि उनके शादी के बाद ही उनको ये सक्सेस मिलना शुरू हुआ, और इसलिए ये अपनी वाइफ को काफ़ी अपने लिए लकी मानते हैं। इनकी जो मानना है वो झूठ भी नहीं है, वो बिल्कुल सच है। इस पाम को अगर हम लोग देखेंगे तो थोड़ा हार्ट लाइन नीचे शुरू भी हो रही है और ख़त्म भी नीचे ही हो रही है। इसके कारण अपर माउंट की जगह कितनी ज़्यादा मिली है, देखिए करीब करीब सीमियन लाइन की जितनी जगह इस पाम में सीमियन लाइन ना होते हुए भी मिला है। इतनी ज़्यादा अगर जगह मिले किसी पाम में अपर माउंट में, तो ऐसे लोग पैसे वाले तो ज़रूर बनेंगे। किसी ना किसी तरीके से ये पैसे वाले ज़रूर बनना था इनको। और ये खुद हाउसवाइफ है, इसके लिए इनके हस्बैंड को मेहनत करना पड़ा और वो इनके लिए वो पैसे कमाए, उनके लिए ही ये पैसे कमाए। क्यों मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि उनके हस्बैंड जो भी कमाते हैं वहाँ पे बाहर देश में, इसराइल में, जहाँ पे वो बिज़नेस करके बहुत सारे पैसे कमाते हैं, और इंडिया में जो भी एसेट बनता है उनका, जो भी वो बनाते हैं, सभी एसेट वो अपने वाइफ के नाम में ही, नाम से ही बनाते हैं। मतलब ये लेडी अभी यहाँ पे इंडिया में करोड़पति है, खुद के ही एसेट है इनके करोड़पति। हाँ, ये खुद है कि ये खुद ने कमाया नहीं है, इनके हस्बैंड ने कमाया, लेकिन इनके पास उतनी ज़्यादा धन दौलत और एसेट है। तो उसी के कारण इतनी ज़्यादा अगर जगह मिल जाए किसी की अपर अमाउंट में, तो उन लोगों का प्रोग्रेस होना तो तय है और होता ही है, चाहे पाम में साइन हो या ना हो। तो चलिए एक बार ओवरऑल पाम को देख लेते हैं, उससे और भी कुछ हम लोगों को समझ में आ जाएगी। पाम को अगर देखेंगे ओवरऑल, तो पाम रेक्टेंगुलर शेप पाम है और काफ़ी बड़ी और चौड़ी पाम भी है। तो रेक्टेंगुलर शेप पाम हो तो ऐसे लोग बैठे बैठे काम कर सकते हैं, मैनेजमेंट का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। चौड़ा और लंबी और बड़ी साइज़ होने के कारण ये लोग मेहनत भी खूब कर पाते हैं, मेहनत भी बहुत अच्छी कर पाते हैं, फिजिकल मेहनत खुद भी अच्छी तरह से ये कर पाएंगे। थंब की लेंथ देखिए काफ़ी लंबा है और पतला भी है। अगर थंब लंबा हो और पतला हो तो ऐसे लोगों को एक तो इन्फ्लुएंस कैपेसिटी, लीडरशिप क्वालिटी सब कुछ अच्छी रहती है, लेकिन जब भी ये अपना लीडरशिप दिखाएंगे सॉफ्ट तरीके से, हार्ड नहीं होंगे, लोगों को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करते हैं, ऐसे लोग प्यार से अपना मैनेजमेंट स्किल को दिखाते हैं। और ऐसे लोग सबसे अच्छा मैनेजमेंट, मतलब जो सारे मैनेजर होते हैं जिन लोगों के थंब सबसे पतली और लंबी हो, तो बहुत बेहतरीन तरीके से अपना मैनेजमेंट स्किल को भी दिखाता है, डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करते हैं। ये इंसान डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करते हैं, ये प्यार से ही सबकी दिल जीत लेते हैं। इस तरीके का थंब हम लोगों को यहाँ पे दिख रही है। इनका मैनेजमेंट स्किल भी ऐसा ही रहेगा। अगर इनको मैनेजमेंट में बिठा दिया जाए और कुछ मैनेज करने के लिए कहा जाए, तो इनके अंडर जो भी वर्कर होंगे वो हैप्पीली इनके लिए काम करेंगे। इस तरीके का इनका थंब है। इंडेक्स फिंगर क्रॉक है और वो भी अच्छी इंडिकेशन दिखा रही है कि मैनेजमेंट का स्किल इनके काफ़ी अच्छी है। तो ये अभी तो हाउसवाइफ है और घर में हर एक मेंबर इनके बात ज़रूर मानता होगा। इनके मैनेजमेंट जो भी स्किल है, जो भी इनका कहना है, सब ज़रूर मानते होंगे, वही हम लोगों को यहाँ से दिख रही है। बाकी दो फिंगर की पैटर्न भी ठीक है, छोटी फिंगर हल्की सी छोटी पड़ गई, इसके कारण थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन में वीकनेस ज़रूर होगा, अभी भी होगा, क्योंकि ये प्रोफेशनल करियर कभी किया नहीं, इसलिए वो प्रैक्टिस के साथ साथ जो चीज़ होती है कि कम्युनिकेशन हुए पावर मिल जाती है, वो मिला नहीं, तो अभी भी थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन स्किल में वीकनेस ज़रूर रहेगी। मरकरी की माउंट देखें, देखिए कितनी ज़्यादा बाहर की तरफ ये मरकरी माउंट है। बाहर की तरफ अगर मरकरी माउंट जाए इस तरीके से अगर बाहर की तरफ जाए, तो ऐसे मरकरी माउंट वालों के बिजनेस स्किल या बिजनेस कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। तो इनके भी बहुत ज़्यादा हाईली एनालिटिकल माइंड है, बिजनेस करने की क्षमता भी इनमें काफ़ी अच्छी रहेगी। सन माउंट की ओर जाएंगे और दूसरी पाम में चलेंगे तो वहाँ पे हम लोग को और ज़्यादा क्लियर दिखेगी कि इनके सन माउंट कैसी है। तो सन माउंट को अगर हम लोग देखेंगे तो सन माउंट पे बहुत बड़ी कोई हम लोगों को साइन दिखेगी नहीं। क्यों नहीं है इस सन माउंट में कोई फिश साइन या ऐसा कुछ साइन? एक यहाँ से लाइन उठ रही है और ये दो ब्रांच में बट रही है और इस तरीके से जा रही है, यही है इनके सन माउंट की लाइन, और कोई निशानी या इंडिकेशन कुछ नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने खुद पैसे नहीं कमाए। इसके लिए क्या हुआ, इनको रिकॉग्निशन नहीं मिली, फेम नहीं मिली। इनके नाम के खुद के होंगे करोड़ों एसेट, लेकिन ये खुद नहीं कमाए, लोग जानते भी नहीं है।
इनको कि इनके पास इतने एसेट है, और ये रिकॉग्निशन भी इनको नहीं मिला। इसी के कारण है कि सनमाउंट में कोई साइन या इंडिकेशन या बड़ी सी सनलाइन इस तरीके का इनके पाम में नहीं है। अगर सनमाउंट पे अगर अच्छी इंडिकेशन आ जाए, साइन आ जाए, स्टार साइन आ जाए, फिश साइन आ जाए, बड़ी सी सनलाइन हम लोगों को दिखे, तो ऐसे लोगों को रिकॉग्निशन भी खूब मिलती है। तो ये एक नेगेटिव रहेगी इनके लिए कि आगे चल के इनके एक्चुअली हस्बैंड का कहना है कि इंडिया में 2-3 बिजनेस खोलना चाहते हैं, और वो सारे बिजनेस इनके वाइफ के नाम में वो चलाना चाहते हैं। तो अगर वाइफ के नाम में चलाना चाहते हैं तो उसके लिए गुडविल की ज़रूरत होगी उनकी वाइफ के नाम की, जो अभी प्रेजेंट नहीं है। तो इसके लिए रेमेडी करनी पड़ेगी। क्या रेमेडी करनी पड़ेगी? इनको एक रूबी ज़रूर पहननी चाहिए। रूबी अगर यहाँ पे पहनेंगे इस फिंगर में, रिंग फिंगर में, तो आपकी रिकॉग्निशन भी मिलती है। जिन लोगों को रिकॉग्निशन नहीं मिलती, वो अगर रूबी पहन ले तो रिकॉग्निशन मिलना भी शुरू हो जाती है। तो इनको थोड़ा सन को स्ट्रॉन्ग करना है। अभी हम लोग चलेंगे सैटर्न माउंट में। तो सैटर्न माउंट में क्या है और क्यों है इतनी बड़ी फिश साइन? सैटर्न माउंट में क्यों है इनके? बहुत ही बड़ी फिश साइन है। अगर इंक लगाया होता, पाम मिलता, तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर दिखता, जैसा मैंने ड्रॉ किया इसी तरीके का क्लियर दिखता। तो इंक मिला, पाम नहीं मिला, लेकिन फिर भी ये साइन कंप्लीट है और बहुत ही अच्छी और बड़ी है। सैटर्न माउंट में अगर फिश हो तो ऐसे लोगों की धन की लाभ ज़रूर होती है। सिर्फ धन की ही लाभ होती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि सैटर्न माउंट में अगर आपको फिश दिखे तो ऐसे लोगों को सिर्फ ये सैटर्न की फिश सिर्फ पैसे ही देते हैं। इनके पास भी सिर्फ पैसा ही आया, मतलब पैसे इन फॉर्म ऑफ एसेट बोलिए या फिर लिक्विड मनी भी रहेगी, एसेट बोलिए, ज़मीन बोलिए, जिस तरह से भी हो, आपके पास धन ज़रूर आएगा। और उनके पास ये आया, यही ये इंडिकेशन है कि इनके पास बहुत सारे धन आ रहे हैं इनके थ्रू, इनके हस्बैंड इनके नाम पे ही, इंडिया में जो भी एसेट बन रहा है इनके नाम में ही बन रही है। आगे चल के बिजनेस भी इनके नाम में ही आएगी, तब सन को पावर देंगे। लेकिन तब जब तक ना होता है तब तक ये ही फिश साइन है जो इनको खुद के नाम में ये सारे एसेट जो इनके हस्बैंड कमा रहे हैं, जो सारे पैसे कमा रहे हैं, इनके नाम में कन्वर्ट हो रही है यही फिश साइन के कारण। आगे भी ये फिश साइन एक्टिव रहेगी और इनके धन दौलत हमेशा ही बढ़ता रहेगा, उसी की इंडिकेशन यहाँ पे है। जुपिटर माउंट ठीक ठाक है, छोटी है, बहुत ज़्यादा बड़ी कुछ चौड़ी नहीं है, और ये खुद काम भी नहीं करती है। और जो इन ये जो भी हाउस वाइफ के जुपिटर माउंट अगर थोड़ी दबी हुई हो तो वो अच्छी हाउस वाइफ होती है, वहाँ पे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि इनके प्राउड कम रहते हैं, अपने ऊपर प्राउड फील ये कम करते हैं। इसके कारण थोड़ी दबी रहने के कारण कोई इनके ऊपर कुछ कहते भी नहीं है, और सभी इनको प्यार भी करते हैं। ये सिचुएशन इंडियन कल्चर के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, हर एक जगह के नहीं। तो ये इसी तरीके का जुपिटर माउंट इनके है। मार्स माउंट ठीक ठाक है। दूसरी माउंट में चलेंगे क्योंकि ये टेढ़ा पिक्चर है तो सारे माउंट हम लोगों को क्लियर नहीं दिखेगी। मार्स माउंट अच्छी खासी है, ये फील्ड में भी अच्छी तरह से आपको काम कराएगी, आपके नाम के खुद के जो ज़मीन जायदाद है वो भी आपको ज़्यादा दे पाएगी, और उससे आपकी लाभ भी होगी, उसी की इंडिकेशन यहाँ पे दिख रही है। वेनस माउंट ठीक ठाक है। लग्जरी लाइन इतनी ज़्यादा पैसे होने के बावजूद भी लग्जरी लाइन हम लोगों को क्लियरली दिख नहीं रही है बहुत ज़्यादा। तो ये लग्जरी से बहुत ज़्यादा ज़िंदगी गुजारते नहीं है, मेहनती है, मेहनती करते हैं। अभी घर में रहेंगे तो घर में घर का ही काम ज़्यादा करते होंगे, तो बहुत ज़्यादा लग्जरी तो इनके पाम में नहीं है। लेकिन जो पॉजिटिव साइन है वो है खड़ी लाइन। तो खड़ी लाइन होना ये अच्छी इंडिकेशन है, जिस तरीके से अगर आप फिनेंशियल कोई काम करते हैं तो उसका रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा। वीनस में हम लोगों को यहाँ पे एक मोल दिख रही है, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम इनके साथ हुआ नहीं। हाँ, फीमेल डिजीज़ लेटर एज में जाके हो सकती है, उसकी एक इंडिकेशन है। ऐसा होगा तो डॉक्टर से ज़रूर सलाह मशवरा कीजिएगा। और एक इंडिकेशन प्रॉब्लम होती है, ऐसे चाइल्ड इशू हो जाती है ऐसे लोगों को, तो लेकिन इनके ऐसा कुछ नहीं, इनके एक बेटे और एक बेटा बेटी है और दोनों ही अच्छी है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम इनको दिखा नहीं। आज किसी किसी के हो जाते हैं इस तरीके का, अगर वीनस माउंट में मोल आ जाए तो चाइल्ड इशूज़ आ जाती है, जो इनके हुआ नहीं, तो एक अच्छी बात है। लेकिन फीमेल डिजीज़ होने के भी चांसेस है लेटर एज में जाके, तो वो अगर किसी तरीके का होता है तो आप डॉक्टर से सलाह मशवरा ज़रूर कीजिएगा। मून माउंट बहुत ही ज़्यादा हाईली पावरफुल है, और आपकी जो मेन फेथ लाइन है वो भी मून माउंट से ही शुरू हो रही है। तो फॉरेन आप भी जा सकते हैं, आपके हस्बैंड जा रहे हैं और आप भी जा सकते हैं, कभी ना कभी आप ज़रूर जाएंगे। इतनी बड़ी अगर मून माउंट हो तो आपको फॉरेन का टूर तो ज़रूर एक बार ना एक बार होगा। इमेजिनेशन पावर आपके हाई है, और इतनी बड़ी अगर मून माउंट हो तो इंट्यूशन पावर भी ऐसे लोगों को आ जाती है बिना इंट्यूशन लाइन के, क्योंकि मून जो होती है वो इंट्यूशन देती है हम लोगों को। और इतनी चौड़ा और बड़ी साइज़ का अगर मून माउंट हो तो ऐसे लोग इंट्यूशन पावर इन लोगों के काफ़ी बढ़ जाती है। ऐसे लोग अगर लिक्विड चीज़ की बिजनेस करते हैं
तो उनको वो भी सक्सेस देती है। लिक्विड किसी भी तरीके का अगर मिल्क हो तो सबसे बढ़िया हो, लेकिन इनके जो हस्बैंड ने बिजनेस चूज़ किया है वो ऑयल का किया है, एक पेट्रोल और दूसरी जो खाने का ऑयल होती है मील ऑयल मिल वाला, वो ऑयल वो हम लोग बाद में देखेंगे, एक बार बिजनेस के लिए अलग से एनालिसिस करेंगे। तो लेकिन मून अच्छी होने के कारण लिक्विड चीज़ में आपको थोड़ी बहुत हेल्प तो वहाँ से मिलेगी। तो ये रही आपकी माउंट की एनालिसिस। अभी चलते हैं आपकी लाइन के ऊपर। हार्ट लाइन और माइंड लाइन एक साथ मिल रही है, मतलब आपकी माइंड हार्ट आके माइंड के ऊपर झुक रही है। इसके कारण आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है आप, बिल्कुल भी इमेजिनेशन या फिर उस तरीके का इमेजिनेशन नहीं, उसे कहते हैं फीलिंग, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों की सॉफ्ट फीलिंग नहीं रहती है, 100% प्रैक्टिकल इंसान जिसे कहते हैं उस तरीके का है, सोच विचार जो भी रहेगी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेगी। इस तरीके का अगर हार्ट लाइन टोटली कम्प्लीटली आके अगर माइंड लाइन में मिल जाती है तो इन लोगों की रिलेशनशिप अच्छी नहीं रहती है, ख़राब रहती है। लेकिन इनके साथ उल्टा है, क्यों क्यों? क्योंकि इनके हस्बैंड बाहर रहते हैं। थोड़ा आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, जो लाइन कहते हैं वो रिज़ल्ट ज़रूर देगा, इस तरह से नहीं तो उस तरह से। इनके साथ इनके हस्बैंड का कोई झगड़ा नहीं होता है, लेकिन ये दो बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक, बहुत महीनों तक मिल भी नहीं पाते हैं। वो जो इनके जो दूरियां रहते हैं वो भी करीब करीब इसी तरीके का डिस्टर्बेंस को ही समझाते हैं। तो यही हम लोगों को यहाँ पे दिख रही है कि इनके रिलेशनशिप में जो इशूज़ लाइन दिखा रही है, बेसिकली वो इशूज़ नहीं है, ये इन दोनों की दूरियां, रिलेशनशिप में दूरियां। हमेशा दो साथ नहीं रह सकते हैं, बहुत दिनों तक नहीं रह सकते हैं, बहुत महीनों, कभी कभी शायद साल भी हो जाती है, एक साल में शायद एक ही बार आ पाते हैं, वो भी कुछ ही दिनों के लिए, क्योंकि उनके हस्बैंड को वहाँ पे बिजनेस है दो। तो यही है इंडिकेशन जहाँ पे हम लोगों को रिलेशनशिप में इश्यूज़ दिखा रही है, लेकिन वो बेसिकली इश्यूज़ नहीं है। माइंड लाइन इनके छोटे हैं, तो छोटे माइंड लाइन हो तो ऐसे लोग बिजनेस ज़रूर कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? ऐसे लोगों की थिंकिंग जो होती है वो बहुत ही क्विकली ये लोग चेंज कर सकते हैं, थिंकिंग जो है, काम करने की जो तरीका है वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली ये लोग चेंज कर सकते हैं। इसलिए बिजनेस अगर ये लोग शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं होती है। प्लस पहली पॉजिटिव साइन हमें यहाँ से मिली। दूसरी अगर देखेंगे तो जो माइंड लाइन है वो इस तरीके से जा रही है, और नीचे से और एक लाइन आके आइदर ओवरलैप हो रही है, या फिर ये नीचे से सेटिस्फाइड जो फ्लोटिंग लाइन होती है बहुत ही क्लोज है, इसलिए बताना मुश्किल है बेसिकली लाइन क्या है। दोनों ही प्रेडिक्शन मैं दे देता हूँ क्या होगी। एक तो ये आती है कि आफ्टर 50 जो एज है आपके, आपकी ज़िंदगी में चेंजेस ज़रूर आएगी। 52 लेके 55 तक जो एज टाइम पीरियड है, सन और मरकरी की जो लाइन फिंगर होती है इस बीच में, 50 to 55 ईयर्स एज कैलकुलेटिव कैलकुलेशन होती है, तो इस एज पीरियड में इन लोगों की ज़िंदगी में चेंज आती है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो या फिर करियर को लेके। तो इनके अगर ये हाउसवाइफ से अगर बिजनेस में आ रहे हैं अभी, तो ये इनके लिए करियर एक चेंज रहेगी, और ये जो माइंड लाइन है इसे हम लोग समझेंगे कि ये ओवरलैपिंग था। ओवरलैपिंग रहना अच्छी बात होती है, और ऐसे लोगों की पॉजिटिव चेंजेस आती है अगर माइंड लाइन में ओवरलैप हो, और जो लाइन हो ओवरलैप होने के बाद जो लाइन हो वो नीचे से जा रही हो, जिस तरह से इस पाम में हम लोगों को दिख रही है। तो ये पॉजिटिव चेंजेस ही आ रही है इनके ज़िंदगी में। दूसरी अगर ये समझिए कि ये माइंड लाइन नहीं है और ये फ्लोटिंग लाइन ही है जो ऊपर के बजाय नीचे से आ रही है, तो ऐसे लोग जब भी काम करते हैं कैरियर में, ऐसे लोगों को बहुत अच्छी सेटिस्फेक्शन मिलती है, डिज़ायर सेटिस्फेक्शन, कुछ गोल अचीव करने के लिए लोग जाते हैं और गोल अचीव हो भी जाती है, और गोल अचीव करने के बाद ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड भी होते हैं अपनी ज़िंदगी से, अपने काम से। तो ये दोनों ही जो इंडिकेशन है इनके लिए अच्छी है, चाहे ये हो या वो, चाहे इनके कैरियर में चेंज हो और ये हाउसवाइफ से बिजनेस वूमेन बने, या फिर जो भी इनके हस्बैंड के गोल हो वो अचीव होने के बाद इनके दोनों के लाइफ में ही कैरियर में आप लोगों को डिज़ायरेबल सक्सेस की एक सेटिस्फेक्शन दिखे। दोनों ही अच्छी पॉजिटिव चेंजेस आ रही है इनके ज़िंदगी में, करीब करीब ये एज पीरियड होगी 50 से लेकर 55 तक। थोड़ी समझने में आप लोगों को डिफ़िकल्टीज होगी, लेकिन अगर 2-3 बार सुन के अगर आप लोग ध्यान से देखें समझेंगे तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी। लाइफलाइन कैसी है? ठीक ठाक है, और इस तरीके से चल रही है, और दो ब्रांच आके मून माउंट की तरफ भी आ रही है, मून माउंट बहुत ज़्यादा हाईली पावरफुल है। तो ऐसे अगर इंडिकेशन बनते हैं तो ऐसे लोगों के फॉरेन का कनेक्शन ज़रूर बनते हैं, तो इनके पाम में भी फॉरेन का कनेक्शन तो ज़रूर बन रही है, तो ये खुद भी ज़रूर फॉरेन जाएंगे,
शायद अपने हस्बैंड के वहाँ पे जाए घूमने के लिए या किसी भी तरीके से जाए, लेकिन इनके तो फॉरेन जाने के इंडिकेशन बिल्कुल क्लियर दिख रही है। अभी हम लोग चलेंगे और छोटी सी इमेज में, पिछला इमेज में जाएंगे और वहाँ पे हम लोग बाकी सारे एनालिसिस जो करेंगे इनके सवाल। तो इनके जो सवाल है कि इनके हस्बैंड चाहते हैं कि इनके बिजनेस करिए इंडिया में आके, और इंडिया में आके बिजनेस करने के लिए इनको क्या इनको करना है कि इनके वाइफ के नाम के ही इन्हें बिजनेस करना है, क्योंकि इनके हस्बैंड का जो पाम था वो विदेश से पैसे कमाने का ही पाम था, देश में आके पैसे कमाने का इंडिकेशन उनके पाम में नहीं था। तो वो अगर बिजनेस करके इंडिया में बिजनेस करके पैसे कमाना चाहते हैं तो उनके किसी रिलेटिव के पाम से ही और रिलेटिव के नाम से ही वो बिजनेस शुरू करना है। तो अगर वो उनके वाइफ हो तो इनके क्या पॉसिबिलिटीज़ है, कितनी अच्छी तरह से वो इसे बिजनेस को संभाल पाएंगे या ओके वो बिज़नेस में कैसे कितनी ज़्यादा सक्सेस हो पाएगी। तो अगर हम लोग देखेंगे तो इनके फेथ लाइन को अगर पहले देखेंगे तो फेथ लाइन इनकी शुरू हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे आके माइंड लाइन में आने के पहले ही ख़त्म हो रही है, ख़त्म हो रही है और बाद में शुरू भी नहीं हो रही है। ये जो लाइन है ये फिश साइन बन रही है, इसलिए ये लाइन है, साइन बनाने की लाइन है, इसे फेथ लाइन अलग से कोई फेथ लाइन इनके पाम में नहीं है। तो अगर ख़त्म हो जाए तो अच्छी बात है, हमेशा मैं कहता हूँ अगर आपकी फेथ लाइन ख़त्म हो जाए और अगर इस तरीके से बाद में शुरू होता तो देखते हम लोग उसकी कंडीशन कैसी है, लेकिन ये फेथ लाइन फिर से शुरू नहीं हो रही है। हल्की सी इंप्रेशन दिखेगी यहाँ पे, लेकिन वो बना भी नहीं और कुछ हुआ भी नहीं, इंप्रेशन ही रहेगी। तो फेथ लाइन ख़त्म हो रही है, फेथ लाइन का कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। आगे चल के अगर हम लोग देखेंगे तो करीब करीब जो दिख रही है कि यहाँ से जो फेथ लाइन फिश साइन शुरू हो रही है उसकी एज होगी 54 के करीब। तो 54 से इनके फिश साइन की जो पीरियड है वो भी शुरू हो रही है और बहुत दिनों तक चलेगी, शायद लाइफ लॉन्ग तक ही चल जाएगी ये फिश साइन की जो लंबाई है, उस तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो 54 से तो इनके वैसे ही सेटल अमाउंट काफ़ी हाईली पावरफुल हो जाती है और इसके कारण वो वहाँ पे ज़रूर बिजनेस कमा पाएगी, क्योंकि ये फिश साइन इनको नुकसान होने नहीं देगी उस टाइम पीरियड में। हाँ, हो सकती है उससे पहले थोड़ी टाइम लग जाए या फिर इनका शायद बिज़नेस स्टार्ट होने में भी उतना टाइम तो लग ही जाएगा, वहाँ से आके यहाँ पे फिर से नया ये बिज़नेस शुरू करने में उतना टाइम तो लग ही जाएगी 2-3 साल की। तो उस टाइम पीरियड में ये जो लेडी है वो फिश साइन के अंडर भी आ जाएगी और इनको सक्सेस भी मिलने लगेगी, इनके पैसे बिल्कुल सिक्योर रहेगा, पहले बात तो बिज़नेस के लिए। अगर हम लोग माइल लाइन को भी देखें तो माइल लाइन तो पहला माइल लाइन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि छोटा है, छोटा माइल लाइन हो तो चेंजेबल नेचर रहती है, बिज़नेस शुरू करेंगे तो बहुत दिनों तक स्ट्रगल नहीं रहती है, सक्सेस मिलना शुरू हो जाती है। दूसरी, तीसरी अगर हम लोग देखेंगे तो अपर माउंट की जगह भी अच्छी है और ऐसे इंसान को सक्सेस भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। और अभी इनके जो बिज़नेस का चीज़ है वो है एक तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जो ऑयल रहती है, पेट्रोल पम्प रहेगी वहाँ पे, और दूसरी रहेगी ऑयल मिल, और कंस्ट्रक्शन के भी कुछ बिज़नेस रहेगा। तो कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि मार्स इनके काफ़ी अच्छी है और रियल स्टेट से इनको मुनाफा ज़रूर होगी, तो कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम लोग ऑयल के बिज़नेस में चलते हैं तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो होते हैं माटी के नीचे से आती है और इसके जो ओनर है वो है सैटर्न, सैटर्न इनके बहुत ही ज़्यादा हाईली पावरफुल है, तो सैटर्न से जुड़ी हुई कोई भी कामकाज ये कर सकते हैं। ऑयल बोलने के बावजूद ही हम लोगों को आ जाती है सैटर्न। दूसरी, ये ऑयल जो प्रोडक्ट है वो लिक्विड फॉर्म में भी है, तो मून का भी कुछ कनेक्शन आती है, मून भी इनके काफ़ी पावरफुल है। तो मून का पावरफुल होना और सैटर्न का पावरफुल होना, ये दो जगह पे हम लोग दिख रहे हैं कि इनके ऑयल के बिज़नेस ज़रूर हो सकते हैं। तीसरी, यहाँ पे अगर ऑयल मिल लगाएंगे ये तो वहाँ पे हम लोगों को दो चीज़ और लगेगी, एक तो इनकी मशीनरी चलेगी और दूसरी जो सीड्स होती है जो सरसों होते हैं वो भी चाहिए रॉ मटेरियल के लिए। तो सरसों जो है वो भी मार्स का देन है, मार्स देती है सरसों, और काली दानियाँ हैं, काली ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं, इसलिए वो सैटर्न भी गवर्न करते हैं, सैटर्न उनके प्लस है। अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के हिसाब से देखें तो मार्स गवर्न करेगा, जिसके लिए इनका मार्स हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और मशीनरी, जो मशीनरी चलते हैं मोटर से चलते हैं, वो सारे मशीनरी का लोड बनते हैं मार्स, तो इनके मार्स भी दोनों के दोनों मार्स भी काफ़ी अच्छी पावरफुल है। तो कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस बोलिए, पेट्रोल का बिज़नेस बोलिए, या फिर ऑयल मिल वाला जो ऑयल है उसका बिज़नेस बोलिए, इनके पाम में बहुत ही अच्छी इंडिकेशन है, ये ज़रूर कर पाएंगे। हाँ, शुरू करना है आपको 1-2 साल रुक के, अभी नहीं, करीब करीब इनकी एज जब 53 के करीब हो जाएगी तब आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो इनके पैसे कमाने में कोई दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं रहेगी।
और ये बाकी ज़िंदगी भी पैसे वाली ही रहेंगी, उसकी इंडिकेशन बहुत ही ज़्यादा क्लियरली दिख रही है। अपर अमाउंट की जगह है इतनी ज़्यादा, तो पैसे तो ये ज़रूर कमा पाएंगे। तो यही रही इस पाम की एनालिसिस, बहुत ही अच्छी और पावरफुल पाम हम लोगों को देखने को मिला। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए शुक्रिया आप लोगों का मेरा चैनल देखने के लिए। और अगर किसी को अपना पर्सनल रीडिंग करानी है तो पेड एनालिसिस के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, वहाँ पे मेरा नंबर और फीस डिटेल दिया हुआ है। शुक्रिया आप लोगों का।